जी सर की अगर बात करें तो आपने सेंसर अप्लाई किया है, अब होने वाला है क्या? अभी फाइनल हो चुकी है तो लास्ट प्रीव्यू करना है मुझे फाइनल, उसके बाद एक या दो दिन में सेंसर के लिए चली जाएगी। जी ओके सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को? सिक्स प्लस वन टू में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं आमिर खुसरो इसी पिक्चर से आया हूँ। एंड एक्चुअली शाहिद भाई इज़ एन ओल्ड एक्वेंटेंस, बट सडनली आउट ऑफ द ब्लू ही कॉल्स मी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई कम टू नो दैट आई बी डूइंग दिस फिल्म कॉल्ड आमिर खुसरो। आई एम एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज इट्स अ हिस्टोरिकल पीरियड फिल्म एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर सिनेमाटोग्राफी, दैट्स माई इंटरेस्ट फॉर डूइंग दिस फिल्म। आमिर खुसरो इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर एंड द पीरियड इज अराउंड समवेयर इन द 800 years, 12th century or 13th century. So that gives me, that provides me to put in a lot of creativity in it. I like the old pictures, I have some references, and I would like to photograph in the same way. So out of the blue I got a call from Shahid bhai. We were old acquaintances but not in touch for a long time. Lekin inka phone aaya, fir main jaake dekha kya karna hai, pata chala Amir Khusro. So I was excited and I want to do this film and I'll see that I do my best. Manisha, aap part ho is film ka? No. पार्ट होने जा रहे हैं क्योंकि एक्ट्रेस भी चाहिए होंगे। तो इस फिल्म को शुभकामनाएं होगी आपकी तरफ से एंटायर टीम को। जी मुझे आज आके तो पता लगा कि इतने बड़े जो हिस्टोरिकल हैं उनके ऊपर मूवी बन रही है, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड या एंड वेरी गुड लक टू फॉर दिस मूवी। थैंक यू मास्टर जी। आप इस फिल्म के पार्ट हैं या सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि शाहिद भाई हमारे बहुत पुराने दोस्त थे और इस फिल्म के लिए मुझे याद किए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं हिस्टोरिकल काफ़ी सीरियल वगैरह किया हूँ, जैसा कि अशोका, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, महादेव मां, तो हिस्टोरिकल का मेरे को काफ़ी नॉलेज है किस तरह मतलब वॉर वगैरह होता है, किस तरह तीर चलती है, तलवारें चलती है। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस पिक्चर में पूरी जान डाल दूँ, कि अच्छे से अच्छा एक्शन करके दूँ इनको, और जितने भी वॉर सीक्वेंस है, जितने भी जो मर्डर सीक्वेंस है जो अभी तक नया पन डालने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहो। और इसमें ग्राफिक वगैरह जो है वो मैं मेरा एक हिस्टोरिकल के दोस्त को डाल रहा हूँ ताकि उसकी हेल्प से और मेरी हेल्प से और शाहिद भाई की हेल्प से ये पिक्चर में जान आ जाए और काफ़ी अच्छा एक्शन हो। और हमारी दुआ है शाहिद भाई को अल्लाह तरक्की दे मेरे को और ये पिक्चर को चार चांद लगा। शाहिद भाई आखिरी सवाल चलते चलते जी, हजरत आमिर खुसरो जी कलाकार कुछ फाइनलाइज हुए हैं या बात चल रही है किसी से या किसी को जहन में रख के आपने ये कहानी लिखी? हाँ, क्योंकि ये बहुत ही माइल्डस्टोन नाम है आमिर। हाँ, इंडस्ट्री के कोई ना कोई तो बड़े ही आर्टिस्ट हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक सिर्फ उन तक न्यूज़ पहुंची है, लेकिन एक बार बात हो जाए और वो यस बोल दे तो फिर मैं नाम डिक्लेयर कर दूँ। जैसे जैसे किसी को जहन में रख के आपने कहानी लिखी होगी? हाँ, नसीरुद्दीन शाह मेरे जहन में है, तो ये ऐसा कुछ है चूँकि अभी क्या इनकी जन्म से स्टार्ट किया है सब्जेक्ट, तो इनके बेटे को भी मैं चाह रहा हूँ फवाद जो है यंग पीरियड में, यंग एज में, लेकिन अभी मैं इस तरीके से डिक्लेयर नहीं कर सकता कि क्योंकि स्टार्स का क्या जहन है, क्या दिमाग है, वो प्रोजेक्ट के बारे में क्या रिप्लाई देते हैं, मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता, है ना, क्योंकि अभी तक जो उनके सेक्रेटरीज हैं। मेरे काम दिखना चाहिए, मैं क्या मूवी बोलूँ? क्या क्या आपने मन में सजाए हैं चाहत होगी, सपने होंगे कि हाँ आमिर हजरत खुसरो
इस तरीके का ड्रेस होगा, इस तरीके का हाँ वो काफ़ी कॉस्ट्यूम की ड्रामा होगा बिल्कुल हाँ कहानी के बाद मेन पार्ट होता है कॉस्ट्यूम, जिनमें बहुत सारे ड्रीम सोची हूँ, बहुत सारे हमारे थॉट हैं आज सर से, मैं कुछ बहुत कुछ अभी सर से मुझे जानकारी है, बहुत चीज़ें हम अभी समझ रहे हैं उसके बारे में। चेक वगैरह दिया कि नहीं? हाँ वो उसके लिए टेंशन ना लो। हाँ वो मैं तो कैश पेमेंट करता हूँ, चेक नहीं देता मैं किसी को, चाहे चेक बाउंस हो जाते हैं। पहला भी सबसे इसके लिए मैं पालता जुड़ना मेरे लिए सबसे ये है कि मैं बहुत कुछ मुझे सीखने के लिए मिल रहा है और मैं मतलब इसमें काम करना मेरे लिए सबसे बड़ा ड्रीम है। नहीं बाकी ये है क्योंकि अलग हट के कॉस्ट्यूम है, 800 साल पहले क्या यहाँ पहना जाता था, और चूंकि अभी वो 13 सेंचुरी में जो तुर्की से इन चाहत के पीछे आपका क्या चाहत ही रही इस चाहत में आमिर नहीं मेरी चाहत एक ही है, ठीक है अच्छी टीम बने, तो हमारे दोस्त हैं। अब ये दो पहले प्रोजेक्ट में मैंने नजीब भाई को भी आवाज़ नहीं दी और अनी भाई को भी, चुपचाप ये दो प्रोजेक्ट बनाकर मार्केट में आया हूँ कि भाई ये किया है आवाज़, क्योंकि देखिए दोस्ती अपनी जगह है। आप बात कर रहे थे 800 साल पुराना ये है तो कॉस्ट्यूम ड्रामा, हाँ तो ये थोड़ा सा एक कुछ तो अलग हट के कॉस्ट्यूम होगा, जैसा अभी सीरियल में आप देखते हैं कि महाभारत के योद्धाओं को रोमन जरा बख्तर बना देते हैं, तो इसमें वैसा नहीं होगा, इसमें भी वॉर हैं, 6 या 7 वॉर होंगी, लेकिन जो ऑथेंटिकली वो जो पहनते थे भाई मंगोल जो सोल्जर्स थे वो किस टाइप की ड्रेस पहनते थे और यहाँ के जो सोल्जर्स थे वो क्या पहनते थे वो ऑथेंटिकली होगा, वो किसी इंग्लिश फिल्म से इंस्पायर होके वो ड्रेस नहीं बनानी, जो एक्चुअल यहाँ पहनी जाती थी उस वक्त। थैंक यू सो मच।